अरे बंटी कहाँ है तू? इतना टाइम क्यों लग गया? वो लेडी, उसके बारे में पता चला? मिश्का ही है ना वो? वही तो बताने के लिए फोन किया तुझे रुद्र। मैंने उस कैब ड्राइवर को पकड़ा और उस लेडी के घर पहुंचा, लेकिन यहाँ पे मिश्का नहीं, एक आदमी निकला। कौन कौन था वो? आई डोंट नो यार, कौन था वो? अरे तो तूने उसे पूछा मिश्का के बारे में? मैंने पूछा, लेकिन वो किस मिश्का को नहीं जानता यार। आर यू श्योर? मतलब डेफिनेटली श्योर यार। इवन वो आदमी पुलिस की धमकी देने लगा। रुद्र एक बात तो साबित हो गई, तेरा शक बिल्कुल गलत है, वो लड़की मिश्का नहीं कोई और है। नहीं नहीं यार, वो मिश्का ही थी। मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। बंटी तूने सही से पता किया ना, तू किसी और के घर पे तो नहीं चला गया? मतलब कोई एड्रेस गलत हो गया होगा या कुछ? उस कंपनी के मालिक ने जो मुझे एड्रेस लिख के दिया था, एग्जैक्टली उसी एड्रेस पे गया। रुद्र मैं खुद मिला उस आदमी से, उसने मना कर दिया, वो किसी मिश्का को नहीं जानता और यहाँ पर मिश्का रहती भी नहीं है। अब इस सारा प्रूफ क्या चाहिए तुझे? तुम मान ले इस बात को, तूने मिश्का ने किसी और लेडी को देखा था, तुझे गलत फहमी हुई है यार। नहीं बंटी, मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। मैं मान ही नहीं सकता कि वो मिश्का नहीं थी। मैं अभी वहां आ रहा हूँ तेरे पास। तू पागल हो गया क्या? तू संगीत छोड़ के यहाँ पर आएगा? तुझे विश्वास नहीं मेरी बात पर? अरे बात तेरी नहीं है बंटी, बात मेरे बेटे सारांश की है। और जब तक मैं वहां के खुद सच नहीं देखूंगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तड़पता रहूंगा यार, वो मिश्का ही थी। और अगर जरा भी चांस है ना कि मिश्का जिंदा है, तो उतना ही चांस है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल सकता है। इसलिए मैं ये मौका नहीं खो सकता। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, प्लीज। देख मैंने तेरी बात मानी ना, मैं यहाँ आया संगीत में तेरे बोलने पे। अब मुझे प्लीज वहां आने दे। ओके फाइन, ठीक है, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, वहीं पर तेरा वेट करता हूँ। हाँ ठीक है। सच तो मैं पता करके रहूंगा, किसी भी कीमत पर। रुद्र क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? कुछ हुआ है? जब तक मैं कंफर्म नहीं करता, किसी को मिश्का के बारे में नहीं बता सकता। रुद्र बोल ना, क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? माँ एक अर्जेंट कॉल आया था मुझे होटल से, अर्जेंट काम है, मुझे एक वीआईपी गेस्ट को हैंडल करना है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे तू? ये तेरा संगीत है, तू अपने संगीत को छोड़ के कैसे जा सकता है मेरा? किसी और को बोल दे हैंडल करने के लिए उस वीआईपी गेस्ट को। नहीं माँ, अगर किसी और को हैंडल करना होता तो मुझे कॉल क्यों करते? मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज मेरी बात समझिए। लेकिन रुद्र तुम कैसे जा सकते हो? हमारा तो संगीत है ना, सब लोग आए हुए, तो तुम चले जाओगे तो? प्लीज ये जॉब है मेरा, ऐसे डिच नहीं कर सकता मैं। और मुझसे ज्यादा ये होटल की रेपुटेशन का सवाल है, नहीं जाऊंगा तो मैनेजमेंट बहुत अपसेट हो जाएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इट्स ओके देविका, अगर इतना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम है तो जाने दो, काम खत्म करके वापस आ जाएगा। क्यों आके? हाँ थैंक्स अरमान, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, एक घंटा मैक्स प्लीज। ऐसा कौन वीआईपी है जिसके लिए रुद्र अपना संगीत छोड़कर चला गया? सुलोचना आंटी की भी बात नहीं मानी। रुद्र तो ऐसा नहीं है, रिश्तों से बढ़ के काम कभी हुआ ही नहीं रुद्र के लिए। कुछ तो बात है, और बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या क्या हो सकता है? रुद्र यही घर है। ठीक है मैं देखता हूँ। एक सेकेंड, वो आदमी अभी भी घर में होगा। तो क्या करेगा? मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आया हूँ, देखता हूँ क्या करता है। रुद्र 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 एक बार फिर सोच ले, मैं ऑलरेडी मिश्का के बारे में पूछ चुका हूँ, आई थिंक दोबारा जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर वो आदमी झूठ बोल रहा होगा तो? अगर सारांश और मिश्का अंदर ही हुए तो? ओके मान लिया सारांश और मिश्का अंदर है, तो दरवाजा तो वो आदमी खोलेगा ना? तुझे क्या लगता है, वो तुझे बताने वाला है कि मिश्का अंदर है, या फिर मिश्का बाहर आएगी दरवाजा खोलने और बोलेंगे सरप्राइज मैं यहाँ पर हूँ? दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही वो आदमी अपनी जुबान बदलेगा और ना ही मिश्का बाहर आएगी। ठंडे दिमाग से सोच, ओके? बात तो तू सही कह रहा है, अगर वो आदमी झूठ बोल रहा है इसका मतलब वो मिश्का से मिला हुआ है, और अगर हम इस वक्त गए तो शक हो जाएगा उसको। करेक्ट, मिश्का को बोल देगा और वो अलर्ट हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग गाड़ी में बैठ के वेट करते हैं, जब वो आदमी बाहर आता है हम तब घर के अंदर जाते हैं। ओके 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 ओके, खुल खुल खुल, गाड़ी में चलते हैं। रुद्र कहाँ है? कहाँ गया है रुद्र? मतलब क्या मतलब? तुम्हीं ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा कि अपना ही संगीत छोड़कर चला गया है वो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर इस बार तुमने कुछ किया है ना प्रीशा,
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र और देविका की शादी होने तो प्लीज। मैं भी यही चाहती हूँ। आप शायद भूल रही हैं, ये शादी आपने तोड़ी थी और अब ये शादी मेरी वजह से हो रही है। और दूसरी बात, अगर रुद्र मेरी वजह से संगीत छोड़कर गया भी है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे भी तो यहाँ नहीं होना चाहिए। और रुद्र खुद बोल कर गए कि वो होटल जा रहा है, तो अब मुझे ब्लेम क्यों कर रही हैं? रुकिए, कोई और बात है, कोई प्रॉब्लम है? देखिए, आपको ठीक लगे तो आप मुझे बता सकती हैं। और कौन है मेरे पास जिससे मैं ये बातें कर पाऊं? आज तक ऐसा नहीं किया रुद्र ने। काम को रिश्तों से बढ़कर कभी नहीं रखा। शिफ्ट खत्म होने के बाद कभी होटल वापस नहीं गया। वो भी आपके मना करने के बावजूद, ऐसे सब छोड़ के। बहुत चिंता हो रही है मुझे रुद्र की। शाम से ही परेशान है। बंटी के साथ मिठाइयां लेने गया था, वहां से फोन किया, कहा कि संगीत में नहीं आ ही नहीं पाऊंगा। इतना मनाया मैंने, बंटी ने भी समझाया, फिर जाकर माना और संगीत में आया। यहाँ पर भी खोया खोया घूम रहा है, ना किसी चीज में ध्यान था ना। और देखो अब चला गया। जरूर कोई तो बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से वो यहाँ से चला गया। हाँ, कुछ तो है जो सही नहीं है। मुझे भी ये सब बहुत बहुत अजीब लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या?